हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और पिछले एक वीडियो मैंने अनबॉक्स एंड रिव्यू किया था रेडमी नोट 10, जो कि 12,000 रुपए के प्राइस में काफी सारे सेगमेंट फर्स्ट और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है, जिनमें से एक है 5000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर ही दिया जाने वाला 33 वॉट का चार्जर। और जैसा कि मैंने आपसे अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में कहा था, जल्द ही लेकर आऊंगा इसका चार्जिंग टेस्ट, तो बस वो वीडियो आ गया है। तो गाइस, ये है 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि बॉक्स के अंदर से ही मिल जाता है। साथ में यहाँ पर मिलती है USB A2 Type-C वाली चार्जिंग केबल। और अभी के लिए फटाफट से प्लग इन कर दिया है चार्जर और फ़ोन जो है वो ऑफ है, तो टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं फ़ोन का। तो यहाँ पर है 34.8°C और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और डिस्प्ले की तरफ भी यहाँ पर 34.7°C है। फटाफट से चार्जिंग शुरू करते हैं और टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। और फ़ोन को यहाँ पर मैं टर्न ऑन भी कर देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल रियल लाइफ कंडीशंस में फ़ोन को ऑन करके ही चार्ज करते हैं। मुझे लगता है 99.99% लोग, वैसे अगर आप 0.01% में से हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वैसे अभी के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फ़ोन जो है 12% चार्ज हो गया। चार्जिंग रैपिडली यहाँ पर शो कर रहा है और फ़ोन कितना गर्म हो गया देख लेते हैं। तो 37.6 है डिस्प्ले की तरफ, ऊपर की तरफ 40 है और पीछे की तरफ यहाँ पर देख लेते हैं, तो फ़ोन जो है करीब करीब 38°C के अप्रोक्स है। थोड़ा सा गर्म हो चुका है फ़ोन। अभी के लिए आगे देखते हैं 20 मिनट में फ़ोन जो है कितना चार्ज होता है। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में फ़ोन जो है चार्ज हो गया है 22%। तो एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोलूँगा, फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो है 37-38°C के अप्रॉक्स। और बैक में यहाँ पर हो चुका है करीब करीब सेम ही है 37-38°C, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है अभी तक। अब नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं और 10 मिनट बाद, मतलब कि टोटल 30 मिनट बाद कितना चार्ज हो जाता है फ़ोन। तो फ़ोन चार्ज हुआ है 34%। अभी भी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। टेम्परेचर फ़ोन का हो चुका है 39-40°C के अप्रॉक्स फ्रंट में, और बैक में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टोटल 45 मिनट में कितना चार्ज हो जाता है फ़ोन, तो आप देख सकते हैं 48% चार्ज हो गया है। और फ़ोन के टेम्परेचर की बात करें तो अभी तक कांस्टेंट है करीब 39°C के अप्रॉक्स फ्रंट में, और इतना ही लगभग बैक में है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट और, मतलब कि एक घंटे बाद फ़ोन जो है चार्ज हो जाता है 62%। तो ऑलमोस्ट एक मिनट में 1% से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज हो रहा है फ़ोन, तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। और टेम्परेचर जो है फ़ोन का फ्रंट में बैक में कांस्टेंट है 39-40°C के अप्रोक्स अभी भी। अब नेक्स्ट यहाँ पर 10 मिनट और चार्ज करेंगे तो फ़ोन चार्ज हो जाता है 71%। और अब यहाँ पर टोटल एक घंटा 20 मिनट, मतलब कि 80 मिनट में फ़ोन चार्ज हो गया है 82%। अभी भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड मिल रही है एक मिनट में करीब करीब 1% के आसपास, और फ़ोन का टेम्परेचर भी अभी के लिए 40°C के अप्रोक्स ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूरे एक घंटा 30 मिनट, मतलब कि 90 मिनट्स में फ़ोन जो है वो चार्ज हो गया है 90%, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1% एक मिनट का एवरेज चल रहा है अभी के लिए। अब देख लेते हैं 100% कितनी देर में चार्ज होगा। फ़ोन का टेम्परेचर 40° के अप्रॉक्स ही है, उससे ऊपर 41 तक भी नहीं पहुंचा है, और फुल चार्ज होने में लग जाते हैं करीब करीब 1 आवर 44 मिनट, और 1 आवर 44 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है फ़ोन। तो ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बिकॉज ऑफ 5000 mAh की बैटरी है फ़ोन के अंदर। और अब ये जो टाइम है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो, बिकॉज अभी के लिए मैंने फ़ोन के अंदर सिम कार्ड नहीं डाला हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि रूम का टेम्परेचर किस सरफेस पर आपने रखा हुआ है वो, साथ में आपने एप्लीकेशन वगैरह रनिंग में छोड़े हुए हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग टाइम को। लेकिन अगर एक मोटा सा अंदाज़ा लगाना है आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 आवर 45 मिनट के अप्रोक्स तो जरूर से लग जाएंगे 0-100% चार्ज होने में फोन को। बाकी आप बताएगा आपको कैसा लगा ये वाला फास्ट चार्जिंग टेस्ट, फ़ोन में और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी या फिर इतनी ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, ऐसे ही किसी और फ़ोन का चार्जिंग टेस्ट देखना है तो वो भी कमेंट में जाकर बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।